हेलो दोस्तों, लैपटॉप रिपेयर एक्सपीरियंस में आपका वेलकम है। आज मैंने एक अपने घर पे मंदिर के लिए एक एलईडी लाइट बनाई है, ठीक है। और मैंने क्या क्या लिया है जिसके लिए आपको दिखाता हूँ, आप भी ऐसी लाइट बना सकते हो घर पे। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक बोर्ड, ठीक है, एक लकड़ी का बोर्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सामान लेके आना आपको। एक एलईडी का बूम बाइट करके एलईडी का पत्ता आता है, आपको ये लेके आना। करीबन आपको 280 या 300 रुपये के समथिंग का ये पत्ता मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से चिपका लेना है पूरे बोर्ड पे, ठीक है। पूरे तरीके से इस पर अच्छे तरीके से लाइनिंग बना के या फिर जैसे आपको लगे वैसे इस पर चिपका लेना है। और आपको यहाँ पर एक होल कर लेना बीच में, ठीक है। होल करने के बाद यहाँ पर आप या तो वाइट एलईडी लगा सकते हो यहाँ पर, या कलरफुल लाइट भी आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं बताता हूँ ये कितने वोल्ट से चलेंगे। आप देख सकते हो 12 वोल्ट डीसी, यानी ये 12 वोल्ट से चलने वाला एलईडी लाइट है। यहाँ पे मैंने एक चौक यूज़ किया जो कि 220 वोल्ट से 12 वोल्ट यहाँ पे निकालेगी। अब ये 12 वोल्ट एलईडी का तार मैंने इसमें जोड़ दिया है, रेड वाला रेड में और माइनस वाला माइनस में, और इधर पावर आएगी 220 वोल्ट। अब ये एलईडी जो है 220 वोल्ट से चलती है, वो भी मैंने यहाँ पे अटैच कर रखी है। अब इसको मैं एक बार जला के दिखाता हूँ ये किस तरीके से जलेगी। इस तरीके से आपको, अगर इसमें कलरफुल एलईडी होती बीच में तो ये और भी अच्छी लगती। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।